आज हम ये बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के सबसे बड़े ऑफर की जो मिल रहा है आपको अभी ग्राफिक कार्ड्स पे। ग्राफिक कार्ड जैसे GTX 1650, RTX 2080 Ti, जिसका साइज़ है, मेरा मतलब जो उसकी कैपेसिटी है 4GB, और जो प्राइस है ना 3,000, 5,000, 6,000 आपको मिल रहा है अभी के अभी फ्लिपकार्ट पे। सुनने में सब चीज़ें कितनी अच्छी लग रही है ना, लेकिन हम जानेंगे वीडियो में क्या ये फ्लिपकार्ट पे जो चल रहा है ना, क्या ये सही है, गलत है, क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो आपको यहाँ आ जाना है फ्लिपकार्ट के पेज पे, यहाँ आपको सर्च करना है कोई भी ग्राफिक कार्ड जैसे कि GTX 1650। सर्च करेंगे और यहाँ पे जो आपका पहला ग्राफिक कार्ड है इसका प्राइस कितना है, 6,000 रुपये। 1650, आर यू क्रेजी अबाउट दिस? नहीं ना, ये चीज़ सच है, आपके सामने है। अब यहाँ पे मैं हल्के हल्के सभी ग्राफिक कार्ड खोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे इसका कंपैरिजन। देखिए Ino3D का ग्राफिक कार्ड है ये, NVIDIA GeForce GTX 1650 Twin Edition, प्राइस 6,000 रुपये, ये अभी मिल रहा है आपको। अब हम खोलेंगे इसका अगला पेज जो मैंने और भी खोले थे। देखिए इसका ये एक्चुअल प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में 13,000 रुपये, लेकिन ऑफर जो दिखा रहा है आपको 6,000 रुपये, क्या सच में? चलो हम इसमें और देखते हैं, ये 15,000 रुपये और देखते हैं, यहाँ पे 80,000, ये तो फेक लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों इतना महंगा। इससे अच्छा तो आपको इसमें और काफ़ी अच्छे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम खोलेंगे यहाँ पे, मतलब सर्च करेंगे GTX की जगह RTX 2080 Ti। यहाँ पे सेम कहानी है कि पहला ग्राफिक कार्ड जो ट्रेंडिंग में है इसका प्राइस क्या है, 3,650 रुपीज़। अब हम इसको खोलेंगे फिर से हल्के हल्के, देखिए क्या लिखा है, GTX 2080 Ti 4GB 3,650 रुपीज़ का, है ना, ये कमाल की बात। तो अब हम इसमें देखते हैं इसमें और क्या हमको क्या मिल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है। तो यहाँ पे इसके प्राइस ऐसे ही रहते हैं, लेकिन बात ये है यहाँ पे आपको इतना चीप मिल रहा है देखने को, रीज़न क्या है? तो अब हम देखेंगे इसके रिव्यू क्या हैं, क्या किसी ने अपने यहाँ पे रिव्यू करा ही नहीं करा है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बी फर्स्ट टू बी डू अ रिव्यू, तो नीचे लगता है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन होंगे, तो चल के हम उन क्वेश्चन को चेक करते हैं कि भैया इन्होंने क्वेश्चन नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, रिव्यू नहीं है एक भी यहाँ पे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके सारे रिव्यूज़ को, मेरा मतलब इसके क्वेश्चंस को। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए, जितनी भी रिप्लाई यहाँ पे हैं वो करिए खुद फेलर ने, यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, मतलब फेलर यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बता रहा है इस प्राइस पे दे के। अब हम खोलेंगे यहाँ पे हमारे अगले प्रोडक्ट के रिव्यूज़, मेरा मतलब है क्वेश्चंस। ये 1650 के क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे मैं, तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, इनको हम देखेंगे कि करके। ध्यान दें यहाँ पे 7 डिसलाइक्स हैं, अगले में 8 डिसलाइक्स हैं, और यहाँ पे डिसलाइक यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे देखने को आपको। तो बात आती है क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है, फेक है, क्या है? तो बिल्कुल साफ बात ये है कि तो जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों फेक हैं यहाँ पे, जी हाँ ये फेक हैं। और बात मज़े की है, जो इसका है सेलर, इसका नाम है Ino3D, यहाँ पे जो इसका खुद सेलर है Ino3D, वो ही ये स्कैम कर रहा है, ये स्कैम है। और आपने देखे होंगे जो ग्राफिक कार्ड आते हैं Ino3D के कितने बढ़िया होते हैं, तो यहाँ पे क्या खुद ही सेलर स्कैमर बन चुका है? अब यहाँ पे मैं दिखाया आपको कि जो ग्राफिक कार्ड के असली प्राइस है वो कितने ज़्यादा हैं। वैसे 1650 तो सही है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है 13,000 में भी, पर जो 2080 है वो तो इसका प्राइस 3,600 कुछ है, मतलब पता नहीं क्या सोच के क्या भांग पी के उसने ये प्राइस रखा है। मतलब कोई भी जिसको थोड़ी बहुत इसकी अवेयरनेस होगी ना, वो समझ जाएगा ये भैया स्कैम है, इसके पीछे मत जाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बाय कर लेंगे, क्यों? क्योंकि वो ग्रीडी हो जाएंगे।
जो भी बता दिया मैंने आपको कि ये स्कैम है, और पता नहीं स्कैम क्यों हो रहा है फ्लिपकार्ट पे इतना बड़ा स्कैम। दूसरी चीज़, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ट्रेंडिंग, मतलब लोग उसको बाय कर रहे हैं तभी यहाँ लिखा हुआ है ट्रेंडिंग, मतलब सोच लो आप कितने लोग यहाँ पे स्कैम हो चुके हैं। और ये स्कैम है, स्कैम है, बड़ी बात यहाँ पे ये है जो इसका खुद सेलर है इनो 3D, जो इतना बड़ा ब्रांड है ग्राफिक कार्ड्स का, वो खुद ही ये स्कैम कर रहा है। इट इज़ इंट्रीगिंग। हमें नहीं पता ऐसा क्यों है, मैं बता दिया आपको, जो भी है इनसे आप दूर रहिए। और अगर आपने पेमेंट कर दिया ना तो आपके पैसे गए, और यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मिलने वाला रिटर्न का ऑप्शन। और अगर आप यहाँ पे स्कैम हो जाते हो तो यहाँ पे एक चीज़ जो आप कर सकते हो, आपको करना ये है फ्लिपकार्ट पे कॉन्टेक्ट करें, वो आपको आपका रिफ़ंड दे देंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ केस ऐसे जहाँ पे उन्होंने लोगों ने ये ग्राफिक कार्ड ऑर्डर करा, उनको डेट मिल गई, लेकिन जब डेट आई उनको ग्राफिक कार्ड नहीं मिला, और उनकी ऐप में अपडेट आ गया कि ऑर्डर इज़ डिलीवर्ड। और जब उन्होंने करा कंप्लेन करी फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट ने उनको रिफ़ंड दे दिया। लेकिन यहाँ पे कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे फ्लिपकार्ट ने रिफ़ंड नहीं दिया, कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला, तो आप इनसे दूर रहिए। माल आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन इसका एक रीज़न है, वो है स्कैम करना। अब फ्लिपकार्ट जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब ऐसे स्कैम होते हैं तो हमको शक होता है। यहाँ पे हम कंज्यूमर है, हमारे पास चॉइस है, यहाँ पे और भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे अमेज़न है जो कि मुझे लगता है पर्सनली इट इज़ मोर ट्रस्टेड देन फ्लिपकार्ट। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। गुड बाय।